जैन समाज के संत आचार्य विहर्ष सागर महाराज ग्वालियर में ससंग पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने विभिन्न आयोजनों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विदिशा दमोह पथरिया ग्राम में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक एक विशाल जैन मुनि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे विश्व से जैन मुनि भाग लेंगे। इस आयोजन में समाज के उत्थान के लिए मंथन किया जाएगा। झारखंड के संमेद शिखर मामले को लेकर भी चर्चा की जाएगी। पत्रकारों के तमाम सवालों के जवाब देते हुए जैन मुनि ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। क्योंकि अपन देखें, जैसे रामचंद्र जी जब नदी पार करने के लिए वहां पहुंचे तो जो मल्ला था, नाव चलाता था केवट, तो उसने रामचंद्र जी से कहा, रुको, अभी मत बैठना। बोले क्यों? बोले पहले पैर धो लेने दो। नहीं, बोले कहीं, क्योंकि आपके पैरों की ना ठोकर लगने से एक पत्थर स्त्री बन गई थी, अहिल्या बन गई थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाव तो उसने क्या, पहले पैर धोना। तो मतलब कि परंपरा सूझ चली है कि महापुरुष के जहाँ चरण पड़ जाएं, जहाँ बैठ जाएं, महापुरुष जो मुँह से बोल दें वो मंत्र है, जहाँ बैठ जाए वो तीर्थ है। कि दमोह जिले में ना पथरिया एक ग्राम है और पथरिया ग्राम में ब्राह उदय नाम का एक तीर्थ है, जिस पर अभी 1 फरवरी से 15 फरवरी का एक महा आयोजन है, जिसमें मेरे जैसे 300 साधु इकट्ठे हुए और 300 साधु शिखर जी बाबत चर्चा भी करेंगे, उसे मीटिंग भी करेंगे और क्या प्लानिंग है आगे की वो भी उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही वहाँ पर एक पंचकल्याणक भी है, जैसा अपन ने यहाँ फूलबाग में किया था, और उस पंचकल्याणक में 80 मंदिरों का पंचकल्याणक है ना, तो वहाँ पर लाखों लोगों की वहाँ पहुँचने की उम्मीद है ना। तो ये प्रोग्राम 1 फरवरी से 15 फरवरी तक।